तो इस गेम को कोई नहीं भूल सकता जो हम लोगों ने पहले बचपन में खेला। हम लोगों की इस गेम से काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। ये हो गया सुपर मारियो, हो गया डंक हंट, हो गया। तो बात करते हैं डक हंट की। इस गेम में जब भी हम खेला करते तो एक हम वीडियो गेम के साथ हमें एक गन मिलती थी जो एक्चुअल हम डक हंट खेलते समय ट्रिगर करते थे, और एक्चुअल निशाना अगर सही है तो डक मर जाती थी, और अगर निशाना हमारा चूक गया तो वो डक नहीं मरती थी। तो हमारे मन में छोटे पर से ये सवाल उठता था कि आखिर ये वर्क कैसे करती है, ये गन एक्चुअल में वर्क कैसे करती है कि निशाना एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही लगेगा तभी डक हंट होती है, वरना डक हंट नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। तो जब भी हम गेम खेला करते थे, पहली बात तो हम जब गेम खेला करते थे तो हमने होश नहीं रहता था, गेम खेलते हुए बस टाइम वेस्ट हो जाता था। जब अगर ध्यान से देखें, जब भी हम गेम खेला करते थे तो जैसे हम गन को ट्रिगर करते थे तो जहाँ पे हमारी डक रहती थी वहाँ पे एक वाइट स्क्वायर आ जाता था और बाकी सारी स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी, और जहाँ जहाँ हमारी डक रहती थी वहाँ वहाँ पर केवल व्हाइट सर्कल रहता था और बाकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी। तो जो हमारा गन का सेंसर रहता था वो गन का सेंसर इस व्हाइट स्क्वायर को ही ढूंढता था कि स्क्वायर है, इस सेंसर पर लगेगा तभी हमारा क्या डक हंट होगी। अगर ये व्हाइट सर्कल के बाहर हमारा गन ट्रिगर हुई है तो क्या वो ब्लैक चीज को सेंसर कर लेगा, और इसका मतलब कि आपका जो निशाना है वो निशाना चूक गया। तो भाई जिसने भी ये गेम खेला होगा तो उसने जब भी ट्रिगर करते समय एक चीज़ को ध्यान दिया होगा कि जैसी हमारा गन का शॉट लगता है वैसी हमारी एक जो टीवी होती थी जो सीआरटी उसमें थोड़ा सा ब्लिंक कर जाता था, और ब्लिंक करते ही डक पे एक वाइट स्क्वायर आ जाता था। तो इसी तरह ये वर्क करती थी हमारी लाइट गन, जो कि अब मॉडर्न टीवीज, एलईडी टीवीज इन सब में वर्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लगातार ट्रिगर होने वाले फ्रेम्स नहीं मिलते हैं मॉडर्न एलईडी जो पहले सीआरटी वगैरह में होती थी। तो ये काफ़ी बढ़िया एक फैक्ट है, जो देखा जाए इतने पुराने समय में जो सीआरटी में वर्क करता था अब वर्क नहीं करता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी सी एक वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।